हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का 1/2 kg का केक है, और इसके लिए है ना मैं 60 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ, और मैं प्रिस्टीन कंपनी का यूज़ करती हूँ। आपको कोई भी ब्रांड का मिले आप ले लो, सारे ही ब्रांड अच्छे रहते हैं। और इसमें मैं 2 लेयर करी हूँ। बेस के नीचे मैं पेपर भिगा कर रखी हूँ, इससे क्या रहता है ना कि वो स्टेबल रहता है एक जगह पर, इधर उधर होता नहीं है, नहीं तो आइसिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। और बेस के ऊपर है ना मैं थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ, उससे क्या रहता है ना कि बेस चिपक जाता है आइसिंग करने में ना। ये सारे टिप्स काम आते हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो आपको दिक्कत होगी, जब आप केक बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और ये जो व्हिप क्रीम देख रहे हैं, इसके अंदर मैं बटर डाली हूँ, और इसकी डिटेल्स वीडियो में किसी दिन अपलोड करूँगी। लेकिन ये बचा हुआ था इतना क्रीम, तो मैं बोली लाओ घर के हिसाब से बना रही हूँ, केक तो डाल देती हूँ, नहीं तो फिर इतना बचा कर रखना मुश्किल हो जाएगा। और बीच में है ना मैं 2-3 चम्मच गनाश डाली हूँ। आप जितना ही ज़्यादा गनाश डालेंगे ना आपका केक उतना ही टेस्टी बनेगा, चॉकलेट फ्लेवर अगर आप बना रहे हैं। और ये सोकिंग कर रही हूँ, इससे करने से ना आपका केक काफ़ी मॉइस्ट रहता है। आप 1-2 दिन तक का फ्रिज में रखेंगे ना तो ये मॉइस्ट ही रहेगा, ड्राई नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर ये स्टेप फॉलो करें। और उसके बाद है ना मैं क्रम कोट कर दी हूँ। और क्या है ना, घर के लिए मैं केक कब बनाती हूँ, जब 2-3 क्रीम मेरे पास बच जाता है ना तो मैं क्या करूँ, मैं कस्टमर को तो देती नहीं हूँ लेफ्ट ओवर, मैं फ्रेश क्रीम ही बना कर देती हूँ। तो ये जो सारे क्रीम रहते हैं ना मैं बना देती हूँ, हमारे घर के बच्चे आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन मैं बाहर वालों को नहीं देती हूँ। क्या रहता है कि जब बाहर वालों को दोगे, अगर कभी कोई मिस्टेक आ गया केक में तो क्या रहेगा कि वो आपसे केक नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ती है। और जब हम केक बना कर दे रहे हैं, उनको पैसा ले रहे हैं, तो क्यों ना अच्छा बना कर दें, फ्रेश ही दें। इस हिसाब से मैं लेफ्ट ओवर क्रीम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये है ना मैं घर के हिसाब से बना रही थी, तो सारी क्रीम इसमें यूज़ कर ली मैं, और काफ़ी अच्छा था केक ये, सब बच्चे लोग कट करके खाए भी, काफ़ी इंजॉय किए। तो आप लोग भी कभी ऐसा रहे ना घर में क्रीम बचा रहे तो आप भी बना कर दे सकते हैं। अगर आपके घर में इतने सारे लोग नहीं हैं खाने के लिए तो आप अपने पड़ोसियों को दे दो, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। और ये इसका है ना मैं पैकिंग बैग में डालकर ही फिनिशिंग करी हूँ, लास्ट में आइसिंग आप लोग देखे ही होंगे। और ये क्या रहता है, मुझे फिनिशिंग देने में अच्छा रहता है, मुझे जल्दी ईजी हो जाता है। आप लोग को अगर प्लेट नाइफ से भी जम रहा है तो आप लोग उससे भी कर लें। और इसके टॉप पर मैं जब भी गनाश डालती हूँ ना तो छान कर ही डालती हूँ, और वो स्टेप आपको दिखाती भी हूँ। ऐसा कभी हो कि पूरा ही कवर होने वाला हो तो ना करूँ, नहीं तो मैं हमेशा ही छानती हूँ। इससे क्या रहता है ना, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। आप अगर इसमें बटर थोड़ा सा डालेंगे ना तो और भी इसकी शाइनिंग आती है, लेकिन मैं बिना बटर के ही यूज़ करती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ, तो भी इतनी अच्छी आती है। तो आपको अगर डालना है तो डाल सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि टॉप पर है ना बहुत सारा गनाश मत डालें, उससे क्या रहता है नीचे बहुत बहता है और उसको बहुत साफ़ करना पड़ता है। अगर आप शुरू शुरू में बनाएंगे ना तो ये चीज़ आप लोग के साथ भी होगा कि आप लोग ज़्यादा डाल देंगे ऊपर, फिर नीचे साफ़ करते बैठेंगे। क्योंकि अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियो देखेंगे ना तो उसमें मैं यही करती थी। लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते ना आपको समझ में आने लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि कोई बताए, आप है ना करते रहेंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा। और ये जो क्रीम आप देख रहे हैं ना, ये मेरा थोड़ा बचा हुआ था, इसके लिए मैं बना दी, नहीं तो मैं ना पूरा ही चॉकलेट से कवर करने वाली थी। और 3 फ्लावर्स बनाई हूँ, और 2-2 करके गार्निशिंग लगा दी हूँ। और ये मेरा बेकरी स्टाइल में केक तैयार है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ये इतना इजी और सिंपल है कि जब भी कभी आपको इमरजेंसी में केक बनाना रहे तो आप ऐसे टाइप का बना देंगे ना तो आपका केक रेडी हो जाएगा, और देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। मेरे पास क्रीम ख़त्म हो गया था इसलिए मैं बॉर्डर नहीं दी हूँ, लेकिन आप लोग है ना जब भी बनाए ना बॉर्डर दे देंगे ना तो और भी सुंदर लगेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।